Hi guys, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel English with Milab. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूँ। आपने मूवीज के अंदर अमरीश पुरी के डबल रोल तो देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके डबल रोल होते हैं और जिसकी वजह से हमें हो जाती है कन्फ्यूजन। ऐसा ही एक वर्ड है जिससे आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और वर्ड है वेरी। वैसे तो सामान्य तौर पर इस वेरी का सिंपल सा मीनिंग हम सभी लोग जानते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बहुत, यानी कि बहुत किसी भी चीज की अधिकता। सेंटेंस देखिए, वह बहुत गरीब है। अब इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। इस तरह से हम सेंटेंस बना लेते हैं, He is very poor, वह बहुत गरीब है, राइट? यानी कि गरीबी को ज्यादा बताने के लिए हमने वेरी का यूज किया। इसी तरह से तुम बहुत धूर्त व्यक्ति हो। धूर्त मतलब कनिंग, यानी कि चालाक, लोमड़ी की तरह। कैसे लिखेंगे इसे? ऐसे लिखेंगे, यू आर अ वेरी कनिंग मैन। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी, ही इज वेरी पुअर। वेरी के बाद ये जो वर्ड है पुअर, ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि वेरी के बाद एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। सेम यहां पर वेरी के बाद आप देख सकते हैं ये एक एडजेक्टिव है, तो हम यहां पर लिखेंगे एडजेक्टिव, राइट? तो यहां पर हमने ये देखा कि वेरी के बाद एक एडजेक्टिव यूज किया गया है, बट वेरी का एक दूसरा रोल भी होता है। कई बार क्या होता है, जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर उसने ही आपको एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया जिसमें उसने वेरी का यूज करा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जब वो वेरी का यूज आप देखेंगे या किसी बुक में या आर्टिकल में उस सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसमें इस तरह के वेरी का यूज किया गया होगा, तो आप हैरान रह जाएंगे, जिसका कोई भी मतलब दूर दूर तक इस वाले वेरी से तो मैच करता ही नहीं। तो आप इस वेरी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस वेरी के बारे में आपको चार चीजें बड़े ध्यान से समझनी है। पॉइंट नंबर वन क्या कहता है? पॉइंट नंबर वन ये कहता है कि हमेशा इस वाले वेरी को यूज करने से पहले आपको दा का यूज करना है। पॉइंट नंबर वन आपको ये याद रखना है, इसकी तो आदत बना लो। क्या बना लो? आदत बना लो द वेरी बोलने की। द वेरी, यहां पर द का यूज लगभग ना के बराबर होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं लेकिन लगभग ना के बराबर होता है। बट इस वेरी से पहले अक्सर आप आर्टिकल्स में देखोगे तो द दिखेगा, आप न्यूज़पेपर में देखोगे वेरी से पहले देख लेना, अगर द लिखा हो तो समझ लेना मिलाप गुप्ता ने जो दूसरा वाला वेरी बताया था ना ये वही है, ठीक है? इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? यही और वही, ये इसका सेंस निकलता है हिंदी के अंदर। यहां पर सेंस क्या था? यहां पर सेंस था बहुत, लेकिन यहां पर सेंस क्या है? यही या वही, ठीक है? अब समझते हैं। पॉइंट नंबर टू देखिए, इस सेंटेंस के अंदर जहां पे वेरी का यूज किया जाएगा वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसके लिए तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। फिलहाल मैं बता दूं यहां पे लिखा हुआ है, देखिए जो, ये वही टेबल है। अब इस वही टेबल के लिए एक वर्ड यूज हुआ जो, तो जो मैंने खरीदी थी, इस जो को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही इस सेंटेंस में देखिए, ये वही शर्ट है जिसे, अभी जो लिखा है ना जिसे, ये जिसे जो लगा है ये एक शर्ट के लिए लगा हुआ है, ये वही शर्ट है जिसे मैं पहना करता था। ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, यह यही फिल्म है जो मुझे पसंद है, यानी कि ये जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है इस फिल्म को लेकर। इस तरह से इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर मिलेगा आपको, लेकिन इन सेंटेंसेस के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, राइट? पॉइंट नंबर थ्री बड़े ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर थ्री ये कहता है कि ये सेंटेंस जो होंगे, जो इस वेरी से बनेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, यानी कि एक सेंटेंस नहीं, ये दो दो सेंटेंस मिलकर बने होंगे। जैसे ये वही टेबल है एक सेंटेंस, जो मैंने खरीदी थी दो, मैं पहना करता था एक सेंटेंस, ये वही शर्ट है जिसे, ये दो। इसी तरह से ये यही फिल्म है एक सेंटेंस, और जो मुझे पसंद है ये दूसरा हो गया। इस तरह से ये डबल सेंटेंस होते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, दो वाक्य, राइट? तो इस वेरी का यूज इस तरह से डबल सेंटेंस में किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम करते हैं चौथे नंबर की बात। फोर्थ नंबर की बात क्या है वो बड़े ध्यान से देखिए, ताकि आप कभी ना भूलो। यहां पर वेरी के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहां देखेंगे तो यहां पर आपको वेरी के बाद नाउन दिखाई देगा, एडजेक्टिव नहीं दिखाई देगा। यानी कि इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो हम बोलेंगे वेरी टेबल, वेरी शर्ट और वेरी फिल्म, और इससे भी पहले हम लगाएंगे द वेरी, तो हम बोलेंगे द वेरी टेबल। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हमें पता चल गया चार चीजें, हमें पता चल गई एक दो तीन और ये चार चीजें कि हमें वेरी के बाद नाउन लगाना है। तो अब सेंटेंसेस को हम बड़े आराम से बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना? अगर कोई डाउट नहीं है, वीडियो थोड़ा सा समझ में आया, वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए
पूरा समझ में आने लगेगा। देखिए यह वही टेबल है जो मैंने खरीदी थी, इसको हम ऐसे बनाएंगे, यह वही टेबल है, तो हम लिखेंगे तो दिस इज, और इसके बाद हमने लगाया द वेरी, तो हमने रूल नंबर वन को फॉलो करा, द वेरी। द वेरी के बाद हमने लगाया टेबल, यानी कि एक नाउन होता है टेबल, यानी कि दुनिया में किसी का नाम होता है। इसके बारे में मैंने नाउन की वीडियो ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, वहां से देख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द वेरी टेबल। इसी तरह से हमारे दो रूल पूरे हुए। अब रूल नंबर थ्री क्या कहता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि दो वाक्य वाला, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया कॉमा, और फिर मैंने जो के लिए क्या लगाया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच। विच किसके लिए लगाया, क्योंकि जो टेबल है ये एक निर्जीव वस्तु है, जिसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच का यूज कर सकते हैं या दैट का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने विच का यूज करा है, विच आई बॉट, जो मैंने खरीदी थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया हुआ है। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, यह वही शर्ट है जिसे मैं पहना करता था, दिस इज द वेरी शर्ट। अब यहां जिसे के लिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हम सेम विच का यूज कर सकते हैं, विच आई पहना करता था, यानी कि किसी काम को पास्ट में किया करता था। पास्ट की कोई आदत चाहे अच्छी हो या बुरी, तो यूज्ड टू का यूज किया जाता है, विच आई यूज्ड टू वेयर, जो मैं पहना करता था, यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आपने ये सेंटेंस को बनाया, रूल अब भी आपने मैच करे हैं, द वेरी से पहले, वेरी के बाद आपने लगाया एक नाउन, और उसके बाद यहां पर क्योंकि ये डबल सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज किया गया है, और हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच का यूज करके सेंटेंस को क्रिएट कर दिया अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब देखिए यह यही फिल्म है, अब कैसे बनाएंगे, दिस इज द वेरी मूवी विच आई लाइक। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बनाया। आई होप कि आज की इस वीडियो में लगभग आपको वेरी के दोनों रूल्स पता चल गए होंगे कि कब वेरी बहुत के लिए इस तरह से बनाया जाता है, राइट। और वेरी का अगर ये वाला यूज करना हो तो आपको ये चार बातें समझनी होंगी, राइट। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा एक लाइक देके बताइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मोबाइल फोन पे देखने को मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को दबाना भूलना मत। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।